हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी एंड मॉम। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम नया एक रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आलू का साग, जो कि हम फास्टिंग के लिए बनाया है। इसको फास्टिंग में हम खा सकते हैं। और गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जितना यम्मी दिख रहा है आलू खाने में, उतना यम्मी लगता है। अगर हम फास्ट में रहते हैं, हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप इस तरीके से आलू बनाइए और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बॉयल आलू ले लिया है। जो भी आपको ऑयल आलू लेना है, उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस अच्छी तरीके से पक जाना चाहिए और इसका छिलका निकाल देना चाहिए। और इसके हम क्या करेंगे, 2 से 3 टमाटर कटिंग करके ले लिए, मीडियम साइज़ के। अगर आप टमाटर नहीं खाते हैं तो सिंगदाने का यूज़ कर सकते हैं, कोई कोई उपवास में नहीं खाता है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे आलू का छिलका निकाल लिया है इस तरीके से। अब इसके हमें पीसेस करना है। एक आलू में आपको 4 पीसेस करना है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है। अगर हाँ बड़े आलू हैं तो उसमें 6 पीसेस कर सकते हो। मीडियम साइज़ के आलू, उसको 4 पीसेस करना है। इस तरीके से आपको पीसेस कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीसेस किया है, ऐसे ही आपको पीसेस करना है। सारे आलू को हम पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे आलू के पीसेस कटिंग करके ले लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आपको एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई को गर्म करना है अच्छी तरीके से। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब उसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि हम फास्टिंग के लिए बना रहे थे, हम लोग घी का यूज़ करते हैं या तो मूंगफली के तेल का यूज़ करते हैं, तो हमने इसमें घी डाल दिया है। अभी आपको घी को मेल्ट होने के बाद घी को अच्छी तरीके से इस कढ़ाई में चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। जिस तरीके से हम करें उस तरीके, जितना आपका आलू उसके हिसाब से चार तरफ आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। और 1 मिनट के बाद जो आपने आलू कटिंग करके रखा था उसको इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और इसको हल्के हाथों से आपको चलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, हल्के हाथों से आपको इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से चला लेना है, ताकि घी और आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आप मिर्चा पसंद करते हैं खाना तो इसमें डाल सकते हो, कि कोई कोई फास्ट में मिर्चा नहीं खाता है, आप जीरा मिर्चा जो भी खाते हो वो इसमें डाल के बना सकते हैं। और सारे आलू को क्या करना है, एक एक पीसेस को ऐसे अलग अलग करके चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला देना है। एक के ऊपर एक आलू मत करिएगा, अलग अलग करके इसको फैला के 3 से 4 मिनट के मीडियम से हाई फ्लेम पे पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। 3 मिनट के बाद देख सकते हो मैंने ढक्कन हटाया है। तभी अब हम देखेंगे तो इसका जो आलू का एक साइड है वो हल्का रेड हो चुका रहेगा, तब हमें अलग साइड पर उसको भी हल्का रेड करना है। हमें आलू को थोड़ा हल्का रेड होने तक भूनना है। देख सकते हो कैसा रेड हो चुका है। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे आलू को पोजीशन चेंज करके चारों तरफ से इसको हमें हल्का रेड होने तक पका लेना है। और ये प्रोसेस हमें मीडियम से हाई फ्लेम पे ही करना है। लो फ्लेम पे जो हमारा आलू है वो अच्छी तरीके से रेडनेस नहीं आएगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं गाइस, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है और खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी लगता है। देख सकते हैं इसी तरीके से आपको हल्के हाथों से सारे आलू का को अच्छी अलग पलट के अच्छी तरीके से सेक लेना है। 2 से 4 मिनट वापस आपको पका लेना है। अब आप देख सकते हो आलू हमारा अच्छी तरीके से चारों तरफ सेक गया है। जहाँ पे जिस साइड आपको लगता है कि नहीं सेका है, उसके साइड आप उसको पलट के अच्छी तरीके से सेक कर दीजिए। और आपको एकदम हल्के हाथों से करना है। अब हमें क्या करना है, आलू को से साइड साइड में करके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाना है, जिसमें हम डालेंगे टमाटो। क्योंकि इस तरीके से अगर टमाटो डालते हैं, टमाटो अच्छी तरीके से पक जाता है। और अगर आपको लगता है कि टमाटो यहाँ वहाँ हो गया, तो धीरे धीरे आलू को साइड में करके उसको स्पेस दे के टमाटो को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिए बीचों बीच, और आलू को साइड में अच्छी तरीके से सिकने दीजिए। इस तरीके से आपको टमाटो को फैला लेना है। और इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक। आप बगैर फास्टिंग का बना सकते हो तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो। सेंधा नमक स्वादानुसार डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि टमाटर में अगर टमाटर हम पकाते हैं, अगर उसको इंस्टेंट पकाना है तो नमक डालने से बहुत जल्दी पक जाता है। और इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है, ढक के रख दीजिए ताकि भाप से टमाटर जल्दी पक जाए। अब 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा टमाटर पक चुका है कि नहीं पक चुका है। देख सकते हो मैंने ढक्कन हटा दिया है और टमाटो जो है हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो आपको क्या करना है, टमाटो को वहाँ पर मिक्स कर देना है, जहाँ पे हमने स्प्रेड किया उसी प्लेस पे आपको टमाटो को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए।
उसके बाद जब टमाटर मिक्स हो जाएगा तो पूरे आलू को टमाटो के साथ धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स कर दीजिए। ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, तो आलू क्या होगा टूट सकता है, तो उसका टेस्ट खाने में अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आपको उसको चला लेना है। 2 मिनट तक हमें पकाना है कि टमाटर आलू और जो हमने नमक डाला था अच्छी तरीके से आलू में मिक्स हो जाए। ऐसे आपको पका लेना है अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए। गाइस बहुत ही यम्मी रेसिपी लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर फास्टिंग के लिए है तो और भी टेस्टी, वैसे भी बना के खा सकते, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते आप बना के। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आप ये हमारा देख सकते हो बहुत ही यम्मी यम्मी आलू बन के रेडी है, टमाटो आलू बोलते हैं इसको। दिखने में कितना यम्मी उतना ही खाने में यम्मी लगता है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, अदरवाइज़ आप विदाउट फास्टिंग खा रहे हो तो पराठे के साथ रोटी के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी सर्व कर सकते हो अगर फास्टिंग में खा रहे हो तो। ये हमारा टमाटो आलू बन के रेडी है, देख सकते हो गाइस कितना यम्मी कितना टेस्टी लगता है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।